चलो अब इनके बारे में लिखना शुरू करो, हेडिंग बना लो गुरु हरगोबिंद जी, बर्थ लिखो वडाली विलेज, WADALI वडाली विलेज, ये है अमृतसर में। ईयर लिख लो 1595। उसके बाद लिखो पेरेंट्स, फादर में लिखो गुरु अर्जन देव जी, मदर में लिखो माता गंगा, फिर लिखो स्पाउस, इसमें लिखो माता दमोदरी, माता मरवाही एंड माता नानकी। नेक्स्ट लिखो ही इंट्रोड्यूस्ड मीरी पीरी, इनकी दो तलवारें थी मीरी और पीरी। मीरी रिप्रेजेंट करती थी टेम्पोरल अथॉरिटी, टेम्पोरल अथॉरिटी, TEMPORAL टेम्पोरल अथॉरिटी। पीरी रिप्रेजेंट करती थी स्पिरिचुअल पावर, SPRITUAL स्पिरिचुअल पावर। जब गुरु अर्जन देव जी की डेथ होती है उस टाइम पे गुरु हरगोबिंद जी सिर्फ 11 साल के थे, और इनकी जो अर्ली एजुकेशन है ना उसके जो टीचर्स थे इनके वो थे भाई गुरदास जी, जिन्होंने इनको बाणी बाणी के बारे में, बाणी को कैसे समझना है या बाणी को कैसे पढ़ना है उसके बारे में अर्ली टीचिंग भाई गुरदास जी ने दी थी, और जो इनके जो वॉरियर स्किल्स थे उसके टीचर थे बाबा बुड्ढा जी, और बाबा बुड्ढा जी एंड तक जाएंगे गुरु गोबिंद सिंह जी तक। मेरी पीरी लिख लिया। नेक्स्ट लिखो ही वॉज ऑल्सो नोन एज बंदी छोड़, बंदी छोड़, BANDHICHOR बंदी छोड़। बंदी छोड़ की कहानी मैं सुनाता हूं थोड़ी देर में आपको। उसके बाद लिखो ही कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त साहिब, AKALTAKTH अकाल तख्त साहिब। ये कहां पे है? हमारे हरिमंदर साहिब में ही है, इन फ्रंट ऑफ हरिमंदर साहिब। यहां से जितने भी मिलिट्री डिसीजन हुआ करते थे ना वो लिए जाते थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बाद से ही ना जो सिख है ना वो एज ए वॉरियर क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। गुरुजी क्या करते थे, मैंने आपको बताया था ना कि ये 52 बॉडीगार्ड्स लिखते थे, इसको भी स्टार मार्क करके लिख लो। यहाँ पे स्टार मार्क करने वाला है एक ये चीज, इसको स्टार मार्क करो, मीरी पीरी को, बंदी छोड़ को स्टार मार्क करो, अकाल तख्त साहिब को स्टार मार्क करो, नेक्स्ट स्टार मार्क करो, ही केप्ट 52 बॉडीगार्ड्स, 52 बॉडीगार्ड्स, इसको भी स्टार मार्क करना। अच्छा, जहां पे लिखा है ही कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त उसी के साथ लिखो ही फोर्टिफाइड अमृतसर बाय कंस्ट्रक्टिंग लोहगढ़ फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, LOHGARH, ये अमृतसर में है लोहगढ़ फोर्ट।
इसी फोर्ट पे उनकी लड़ाई होगी शाहजहां के साथ। उसके बाद लिखो सिटी फाउंडेड, कीरतपुर। कीरतपुर के ब्रैकेट में लिख लो रूपनगर। उसके बाद लिखो मुगल कंटेम्पररी, उसमें लिखो जहांगीर एंड शाहजहां। उसके बाद लिखो ज्योति जोत 1664 एट कीरतपुर। एट द एज ऑफ 90, मुझे अब आपको कहानी सुनानी है बंदी छोड़ वाली, है ना, और दूसरी लोगढ़ फोर्ट वाली, ठीक है। तो जहांगीर क्या करता है कि जहांगीर ने अपना मिशन शुरू किया हुआ था कि कन्वर्जेंस किया करता था जहांगीर लोगों को मुस्लिम कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया करता था, और उस वजह से ना उसने बहुत से प्रिंसेस को ना बंदी बनाया हुआ था ग्वालियर के फोर्ट में, और उसी फोर्ट में वो गुरुजी को भी बंदी बना लेता है, हमारे जो गुरुजी हैं गुरु हरगोबिंद जी को, ठीक है, उन्हें भी वो बंदी बना लेता है। और लेकिन जब वो गुरुजी से बातें करता है ना, तब ना वो बहुत प्रभावित हो जाता है गुरुजी की बातों से, उनके तर्कों से। तो वो ना गुरुजी को ये कहता है कि अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना आपको छोड़ देता हूँ। गुरुजी कहते हैं नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, ये जितने भी राजा हैं, राजा तुमने बंदी बनाए हुए हैं, मैं इनको साथ लेके जाऊँगा, मैं इनको छुड़ाने ही आया था यहाँ पे। तो वो जहांगीर क्या कहता है गुरुजी को, कहता है कि जितने लोग आपको पकड़ के चले जाएंगे ना, तो उतने लोगों को मैं आज़ाद कर दूंगा। तो गुरुजी को ना इस बात का पहले से ही पता था कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो गुरुजी ना, जो गुरुजी का चोला था, वो अपना चोला ही इस तरीके से लेके गए थे, ये लोअर वेस्ट का बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ना ऐसे करके कर्व्स थी, ठीक है, जो उनका चोला था ना, ऐसे करके कर्व्स थी, और ये कर्व्स थी टोटल 52। तो जो जितने वहां पे प्रिजनर्स थे उनका नंबर भी 52 था, तो सभी ने ना एक एक कन्नी पकड़ ली, यहां से 52 की 52 कन्नी पकड़ ली, और उसको पकड़ के वो बाहर आ गए, ठीक है। तो इसी वजह से गुरुजी को बंदी छोड़ भी कहा जाता है, और जो हम बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं ना सिख, इसमें दिवाली वाले दिन पे, ठीक है, वो इसी को कमेमोरेट करने के लिए, इसी चीज को याद करने के लिए मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने 52 हिंदू राजाओं को यहां से बचाया था ग्वालियर फोर्ट से, ठीक है। तो जहां पे बंदी छोड़ लिखते हो ना, वहां पे ब्रैकेट में लिखा हो ग्वालियर फोर्ट, यहां से उन्होंने 52 किंग्स को, लिख लो साथ में ये भी लिख लो 52 किंग्स या प्रिंसेस, उनको बचाया था। इसके बाद ना गुरुजी और जहांगीर के जो रिलेशंस है ना वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहांगीर के बाद आ जाता है शाहजहां, ठीक है। तो जो मुगल्स हैं उनके साथ जो क्लैशेस होते हैं वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो एक ना अमृतसर में अप्रैल 1634 में एक बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ अमृतसर कहते हैं उसको, ठीक है, शाहजहां के साथ बैटल लड़ी जाती है, जिसमें सिख जीत तो जाते हैं, लेकिन जो हरगोबिंद सिंह जी थे ना, वो ना बड़े पीसफुल पसंद इंसान थे, गुरुजी थे, वो क्या करते हैं कि इस बैटल के बाद ना वो कीरतपुर चले जाते हैं, और वहां पे जाके वो क्या करते हैं कि कीरतपुर में ही रहने लग जाते हैं। कीरतपुर के ब्रैकेट में लिख लो रूपनगर, और फिर वहां पे उनकी एट द एज ऑफ 90 वो पीसफुली उनकी डेथ हो जाती है। अब आ जाओ नेक्स्ट गुरु पे, गुरु हर राय जी। जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे वो 52 बॉडीगार्ड्स रखते थे ना,
जो गुरु हरराय जी होंगे वो 2200 सोल्जर्स रखेंगे अपने साथ, 2200 सोल्जर्स। तो ये ब्रैकेट में लिख लेना और इस पे स्टार मार्क भी कर लेना। पिछले में स्टार मार्क करने वाला जो जो था, एक तो बंदी छोड़ को स्टार मार्क करो, मीरी पीरी को स्टार मार्क करो, अकाल तख्त साहिब को स्टार मार्क करो, लोगड़ फोर्ट को स्टार मार्क करो, जो जो सिटी फाउंडेड है कीरतपुर उसको भी स्टार मार्क करो, और 52 बॉडीगार्ड्स उसको भी स्टार मार्क करो। चलो नेक्स्ट, गुरु हर राय जी